हमारे पास क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। उस पर ये एग्जाम्पल पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। इस तरह के जब क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो आपको हमेशा क्वेश्चन में से पहले इंफॉर्मेशन लेना, भाई एपी क्या है आपके पास। एपी आपके पास है 8 3 -2, ये आपके पास एपी है। तो इसमें जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 8 है, तो कॉमन डिफरेंस है वो 3 -8 -5 है। आपसे कह क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो इसका मतलब आपको 22 टर्म्स लेने और उनका आपको सम निकालना है, S22। ये हमारे पास अब आपकी चॉइस है, आप n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से निकालें या जिससे भी निकालें। तो हमारे पास सारी चीजें दी हुई है, फॉर्मूला जो होता है अभी मैंने आपसे कहा था कि एस एन जो होता है वो होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दो ही फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो आपसे कह रहा था सम ऑफ 22 टर्म, ये आ जाएगा n by 2, n यहाँ पे 22 है, 2a, a यहाँ पे 8 है, n minus 1, 22 minus 1, d यहाँ पे 3 है। तो जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें, 22 by 2 11 होता है, 28 जा 16 होता है, 22 minus 1 21 होता है, 21 3 जा 63, तो ये आपके पास हो जाएगा 639, 617 इंटू 11, जितना भी मल्टीप्लाई करके आए, 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 7 जा 77 और 9 56। फाइनल आंसर है 869। ये हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें सम निकालना है। तो अगर आप एपी दे दे, नंबर ऑफ टर्म्स दे दे, तो आप सम ऐसे निकालेंगे। एक कोई क्वेश्चन देखो जिसमें आपसे ये नहीं कहेगा हमारे पास कितने टर्म्स हैं। सर d माइनस 5 होगा ना, 8 माइनस 5, यस d माइनस 5, हमने क्या प्लस कर दिया। अच्छा d कैलकुलेशन d की 3 की वैल्यू है, वेरी गुड। ये है हमारा माइनस 5, तो कितना कैलकुलेशन आया, ये वाली टर्म वाला टोटल आएगा 979 -979 -979। आपके पास 21 इनटू 5, 21 इनटू 5 आपके पास आ जाएगा -105। तो आपके पास क्या आएगा, 11 इनटू 105 -16 कितना होता है, 15 9 होता है, यहाँ पे क्या रह गया 918 होता है, 11 9 जा 99 वो भी माइनस में आएगा। फिर आपके पास 9 तो 88 इंटू 9 9, यही आंसर आ रहा है। यस सर यही आंसर, ये चीज हमारे पास है। अब जरा देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, दोनों ही आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें चाहे एनथ टर्म हो चाहे सम ऑफ एन टर्म हो, आपके पास सीधा सीधा सा फॉर्मूले में 4 टर्म्स होते हैं, उन 4 में से 3 दिए होते हैं, चौथा आपको निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. If the
the sum of first 14 terms of AP is 1050 and its first term is 10. Find the 20th term. So, जो given है वो लिख लीजिए. Sum of first 14 terms. So, sum of first 14 terms. तेरी भला. S 14 होगा. First term. S 14 term क्या होगा? First 14 term. 14 by 2. 14 minus 1 into D. 7 इसी तरह से लिखा रहने दिया कीजिए तो ज्यादा अच्छा है. आपके पास आएगा 2a plus 13d is equals to 150. ये फाइनल इक्वेशन है. दूसरी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10. ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म अगर हमें 10 दिया हुआ है तो इससे और आसानी हो गई कि आप इस इक्वेशन में 10 रख सकते हैं. 2 into 10 plus 13d is equals to 150. तो ये हो जाएगा 20. 20 इधर जाके हो जाएगा माइनस 150 माइनस 20 130. इधर हमारे पास है 13d, तो d भी हमारे पास 10 है. सर d इज इक्वल टू 10 माइनस 30 10 आएगा. a भी हमारे पास 10 आएगा. तो आपसे कहता था फाइंड द 20th टर्म. a प्लस 19d. वेरी गुड. 20th टर्म हो जाएगा 210. a प्लस 19d. d 210 हुआ या 200 हुआ? 200. ठीक है, तो आपके पास ए भी 10 है और डी भी 10 है. तो 190 प्लस 10 200. इस तरह से हम सम ऑफ एंड टर्म्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? यस सर. Yes. आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेनी होती है क्वेश्चन में से. ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है. आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए बी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78. How many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78? ये हमसे कह रहा है. हमसे क्या कह रहा है? How many terms? AP दिया हुआ है. AP से हमारे पास A आ जाएगा 24, D आ जाएगा 21 minus 24 minus 3. Must be taken so that their sum. Sum दिया हुआ है. ध्यान रखना इस बार 78. तो आपको n निकालना. हमेशा ये कहता हूँ दोनों फॉर्मूले में चार क्वांटिटी है आपके पास. फोर टर्म्स हैं तो थ्री टर्म्स आपको गिवन गिवन है. थ्री क्वांटिटी आपको गिवन है. फोर्थ आपको निकालना. फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d. ये आपका फॉर्मूला. अब आप इसे जिस तरह से भी चाहे सॉल्व कर लें आंसर आ जाएगा. तो आपके पास क्या होगा? आपके पास हो जाएगा 78 टू द 156. ये हो जाएगा n 48 माइनस 3n एंड माइनस माइनस प्लस 3. ये मेरे पास है 48 एंड 3 51. n से मल्टीप्लाई करो माइनस 3n स्क्वायर दैट इज 156. तो फाइनल आंसर क्या होगा? 3n स्क्वायर इधर ले आइए माइनस 51n और प्लस में 156 इज इक्वल टू 0. अगर आप 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0. अगर आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो 13 4 होना चाहिए आई थिंक. तो n स्क्वायर
वैसे तो अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो n माइनस 13 एंड n माइनस 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, नहीं तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, n कॉमन तो n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन तो n माइनस 13 अगेन, तो आपके पास आएगा n माइनस 13 एंड n माइनस 4, आपके पास क्या आएगा n इज इक्वल टू 13 एंड n इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास है। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि हाउ मेनी टर्म्स इज नीडेड टू गिव द सम 78, ये मेरे पास है। इसमें रीजन होता है, वैसे तो आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में इसका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन अगर बन जाए तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास एक एपी है ये हमारे पास क्वेश्चन है तो आपके पास ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4 टर्म्स का सम भी 78 है और 13 टर्म्स का सम भी 78 है। तो इसका मतलब ये होता है एक्चुअली 24 है आपके पास, 21 है आपके पास, 18 है आपके पास, यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है थ्री हो रहा है, 15 है आपके पास, तो इनका सम जो है 4 टर्म्स का सम वो 78 है। अब आगे जो आपके पास 9 टर्म्स आएंगे, मतलब नेक्स्ट जो आपके पास आएगा 15 के बाद आपके पास आएगा 12 9 6 3 0 3 6 9 12, आपके पास जो आगे 9 टर्म्स आएंगे उनका सम 0 होगा, ध्यान रखो, इस वजह से इन सब का सम भी 78 ही होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? आपके पास ये जो एपी है ये डिक्रीजिंग एपी है, 4 टर्म्स का सम भी 78 आया है और 13 टर्म्स का सम भी 78 आया है, तो दोनों ही पॉसिबल हैं। उसकी वजह ये है कि 4 टर्म से आगे जितने भी टर्म्स हैं वो डिक्रीजिंग होंगे, तो आगे की 9 टर्म्स का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल होगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, 9 माइनस में ये प्लस में, 6 से 6, 3 से 3 और 0 तो भाई, तो सम ऑफ दीज 4 टर्म्स प्लस 9 टर्म्स इस सेम है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। देखो ये क्वेश्चन हो गया, मैंने जैसे कहा था आपसे कि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखो फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, बहुत पूछा जाता है, आपसे कह रहा है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकाल दीजिए। तो एक तो फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिए सीधा सी, वैसे तो एपी से ही याद रखो, क्यों रखे, हमसे क्या कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 1000 का सम चाह रहे हैं, तो यहाँ पे n जो हो गया वो 1000 हो गया, n by 2, फर्स्ट टर्म 1 हो गया और लास्ट टर्म 1000 हो गया। जब भी आपको लास्ट टर्म पता हो तो आप फॉर्मूला ये वाला ही यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमारे पास n हमें पता है, अगर 1 से स्टार्ट होता है तो जहां तक भी हो रहा है वो हमारा n होगा, ठीक है, अगर कंसेक्यूटिव है, 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ऑड नंबर्स हैं या 1 से स्टार्ट हो रहा है इवन नंबर्स अलग हैं, तो फिर बीच में अगर कोई गैप नहीं है तो 1 से अगर कंटिन्यूस है तो उतने ही नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स हो गए 1000, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और लास्ट टर्म भी हमारा 1000 है, तो हमें n भी मालूम है, फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा 1000/2 एंड 1 + 1000, 1000/2 हमारा कितना हो गया 500 × 1001, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 एंड 5 × 5 और 20, ये सम होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रखना अगर आपसे n पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है तो अभी भी जो हमारे पास है वो कंसेक्यूटिव है, इस बार जो है हमारा जो nth टर्म है वो n है, तो n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आंसर है, यही फॉर्मूला भी होता है।
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो यही फॉर्मूला एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या एन इन टू एन प्लस वन बाई टू। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूले से याद रखिए। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आपने सब्जेक्टिव भी किया होगा इसको। ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। अगर nth टर्म देगा तो सम निकलवाएगा और सम देगा तो nth टर्म निकलवाएगा। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। Find the sum of first 24 terms of the list of the number whose nth term is given by। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है 3 plus 2 है। ध्यान रखना अगर nth टर्म दिया है तो आप बहुत जल्दी से a और d निकाल सकते हैं। n की जगह 1 रख दीजिए, n की जगह 1 रखेंगे तो a1 आएगा। a1 का मतलब a होता है फर्स्ट टर्म, तो 3 प्लस 2 इंटू 1 तो ये आपका आ गया 5। तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया 5। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ध्यान रख लेना आप सब बच्चे, अगर कभी भी nth टर्म दिया हुआ है तो जो n के साथ नंबर होता है वो हमारा d होता है। यहाँ n के साथ 2 आया हुआ है तो ये हमारा d होता है। अगर ये याद ना रहे तो आप क्या करिए, n की जगह 2 रख दीजिए, n की जगह 2 रखेंगे तो a2 आएगा। 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 जा 4 प्लस 3 7। अब आप खुद बताएं आपको कि अगर d निकालना होता है तो a2 में से a1 को माइनस कर दी तो 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 2 होता है। तो जो मैंने आपसे कहा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। तो अब आपके पास क्या है, आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस पता चल गया और आपसे कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। अच्छा इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते, तो आपके पास एस 24 आ गया। ध्यान से देखिए मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ। तो आपके पास आएगा 24 बाई 2, 2a, a हमारा 5 है, 24 माइनस 1 23 हो जाएगा और d हमारा 2 है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि भाई 2 जो है कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन लेके और ये वाला 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा 24 और अंदर रह जाएगा 23 प्लस 5 28। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 4 जा आपका कितना होता होगा, 112 होता होगा, तो आपके पास 11 कैरी आएगा। 28 2 जा 56, 57 67, तो नियरली 672। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हमें ए एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है 3 प्लस 2 एन और आपसे कह रहा है एस 24 निकालो, तो यहाँ से हमें एन मालूम हो गया कि हमें कितने टर्म्स चाहिए, हमें 24 टर्म्स चाहिए। तो n की जगह अगर 1 रखेंगे तो a1 आ जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 5। n की जगह अगर 24 रखेंगे तो 24 टर्म आ जाएगा दैट इज 51। तो आपको पता है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमें d निकालने की जरूरत नहीं हुई अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है। तो n हमारा 24 है, 24 बाई 2, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, लास्ट टर्म हमारा 51। तो 24 बाई 2 इज 12 इंटू 56, ये हमारे पास 12, 6 जा 72, 12, 5 जा 67। तो आई थिंक आंसर इज सी 672। यस, दोनों केसेस तो समझ में आया। यस सर। यस सर। अगर हमें nth टर्म दिया होता है तो हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देखो। चलो जल्दी जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ, एक एक दो दो क्वेश्चन है छोटे छोटे से, तो आप मुझे बताओ। Find the sum of the following equals. Phone. हाँ जा sound बजा। Sound बजा।
245. भाई फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी 45. यस, आपको एक ही लाइन लिखनी आनी चाहिए कि आपके पास 10 टर्म्स हैं. सम ऑफ 10 टर्म्स हो जाएगा 10 बाय 2 2 a 10 माइनस 1 इनटू d. 7 माइनस 2 इज 5. दैट्स इट. 9 5 जा 45, 2 2 जा 4, 45 प्लस 4 49. 10 into 49 by 2. We are 490 by 2 will be successful. That is 245. Good. So, let's do one more question. Find the sums of given below term. Find the sum of the given below. जो भी हमारे पास लिखा हुआ है 7 plus 10 and half 14 up to 84. तो इसका सम निकालना है. Answer. सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो एक्चुअली सम निकालने के लिए अगर आपसे कह रहा है क्वेश्चन में सम निकालना, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि n बताओ. चेक करो a दिया हुआ है क्या, चेक करो डिफरेंस गिवन है क्या. 10 एंड हाफ का मतलब 10.5 होता है, तो सीधा सीधा 3.5 है. बाद में सोचेंगे क्या होता है. 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं. और यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म कहिए या nth टर्म कहिए, वो 84 दिया हुआ है. ये मुकाबला. लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होता क्या है कि भाई हमें जो है n चाहिए. जब तक हमारे पास n नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. तो n यहाँ पे निकलेगा nth टर्म से, जो हमने पहली एक्सरसाइज में किया था. भी हमारे पास जो nth टर्म है वो 84 है. nth टर्म होता है a plus n minus 1 into d. d हमारा 3.5 या 7/2 है, जैसे भी आप समझे. तो अब आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा 7 से 84 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, सेवन इधर आके माइनस हो जाएगा, सेवन इधर आके माइनस होगा तो 77 हो जाएगा. अगर 77 हो जाएगा तो फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा. 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 22 हो जाएगा, और 1 इधर आके प्लस होगा 23 हो जाएगा. इस तरह से आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो 23. अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, और टोटल टर्म 23. तो सम जो आएगा वो आएगा n by 2 and first term plus last term. ये आंसर टोटल विल बी 1046.5. वेरी गुड, शाबाश. ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि n कैसे निकालना है. अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो उससे n निकालना. देखो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये पूरे nth टर्म वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है पूरा. अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लें तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपके पास हो जाएगी कि किस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है. ये
इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा सा बता दिया कि आपके पास क्या है, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें ए आपके पास है, डी आपके पास है, एन एटम आपके पास है, एन नहीं है, और अगर एन नहीं है तो सम ऑफ एन टर्म्स भी नहीं, जो अभी हमने किया ये लास्ट टर्म 50 है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप कर लें तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए पूरे को एज इट इज, ये मैं इसी तरह से लिखा हुआ छोड़ दे रहा हूँ। तो अब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये हमें लिखना पड़ेगा ए क्या है, डी क्या है, इसमें दिया हुआ कैसे देखो। ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन है तो यहाँ हमें खुद बताना पड़ेगा कि ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए बी, ठीक है, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636। ये मतलब हमें क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारा 9, डिफरेंस हमारा 17 - 9 8 है, सम हमें दिया हुआ 636, आपसे कह रहा है एन बताओ हाउ मेनी टर्म्स, आउट ऑफ फोर आपको तीन चीजें दे दी, तो 636 इज इक्वल्स टू एन बाय 2 2a एन माइनस 1 इनटू डी। तो 336 है तो 39 हो गए थे जी, 336 है सर, 39 हो गया, 336 क्या है, अच्छा 636 अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन आंसर, सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, यस सर, देखो जरा अभी जैसा मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा था कि भाई एनएच टर्म लिया हो तो उसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, दो दो इक्वेशन भी बन जाती हैं। आपसे कह रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हूज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हूज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, ये हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है सम ऑफ 51 टर्म्स आपको निकालना है हूज सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म आपका होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी, एंड थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। वैसे तो ये है कि अगर आपको कंसेक्यूटिव टर्म दिया हो सेकंड एंड थर्ड तो आप डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हो जाता है ए थ्री माइनस ए टू, तो आपके पास फोर आ गया। फोर को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में या सेकेंड में, अगर आप d को 4 रखेंगे तो a इज इक्वल्स टू 10, अगर a आपका 10 आ गया, d आपका 4 आ गया, तो आप डायरेक्ट सम ऑफ 51 टर्म्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ 51 टर्म्स में आप चाहें तो 51 टर्म निकाल लें पहले, 51 टर्म होगा a प्लस 50d, तो 50d हो गया कितना भाई, 210, तो आपके पास 51 टर्म्स का सम क्या आएगा, 51 by 2 first term plus last term, तो आपके पास कितना आ गया, 10 answer 51 into 220 by 2 110, 100 multiply कर दीजिए तो आंसर है, ठीक है जी, 5610
5 6 1 0 1 0 नेक्स्ट वाला देखो, ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 एंड 17 टर्म इज 29, सम ऑफ 7 टर्म इज 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो इस क्वेश्चन का अगर आप रिजल्ट याद रखना चाहो तो रिजल्ट याद रख सकते हो। ध्यान से देखोगे, सम ऑफ 7 इज 49, 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है एंड सम ऑफ 17 इज 289, तो जो 289 है वो 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो सम ऑफ n होगा वो n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज इसको सॉल्व करना चाहें तो इससे इक्वेशन बनेगी, सम ऑफ 7 का जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 7/2 2a प्लस 6d और उसकी वैल्यू दी है उसने 49। तो यहाँ से 7 से 7 टाइम्स आएगा और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 14 आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा, से ठीक है सर। तो सम ऑफ, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, मेरी कोशिश ये होती है कि एक लाइन में आप आंसर लिखें, तो 2a plus 6d is equals to 40। दूसरा आपके पास क्या था, सम ऑफ 17 इज इक्वल्स टू 17/2 2a plus 16d और वो दिया हुआ है 289, तो 17 से 17 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आएगा। ये दो इक्वेशंस आपकी बनेंगी। अगर आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, तो 2a 2a कैंसिल, तो माइनस 10d इज इक्वल्स टू माइनस 20, तो d इज इक्वल्स टू 2। अगर d इज इक्वल्स टू 2 को फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो 6 2 12, 14 माइनस 12 इज 2, तो a इज इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास a इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, d इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाय 2 2a n माइनस 1 इनटू d। आप चेक करेंगे 2 आप कॉमन लेंगे और 2 आप कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो इन ब्रैकेट आपके पास क्या आएगा, n इनटू 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो n इनटू n इज n स्क्वायर, दैट्स इट। ये हमारा आंसर आएगा। देखो एक क्वेश्चन हो गया, जो मैंने आपसे कहा था वो क्वेश्चन है। एक तो nth टर्म दिया हो तब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक अगर सम ऑफ n टर्म दिया हो तब भी हमें ap सॉल्व करना होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ap इज 4n माइनस n स्क्वायर है। आपसे क्या कह रहा है कि भाई सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, That is 4n minus n square. So what is the first term? Question तो ये subjective है, objective तो ये अलग ही होगा। First term a1
what is the sum of first two term? Okay, a2. What is the second term? Find the third term, find the tenth term, find the nth term. तो दो तरीके सीख लीजिए आप, दूसरा क्या है बेसिकली कि भाई अगर हम n की जगह 1 रखें, तो अगर n की जगह 1 रखोगे तो ये s1 होगा. sn का मतलब क्या होता है? a1 plus a2 plus a3 plus plus an. लेकिन जब आप s1 कह रहे हो तो s1 का मतलब sum of one term. तो sum of one term का मतलब only first term. तो जब n की जगह 1 रखोगे तो डायरेक्ट a1 आएगा. तो आपके पास क्या आएगा? 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर. 4 minus 1 is 3. तो यहाँ से हमें a1 पता चल गया. जब आप n की जगह 2 रखेंगे तो वो s2 हो जाएगा. तो s2 क्या हो जाएगा? 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर. 8 minus 4 is 4. ध्यान रखना s2 का मतलब है कि sum of two term. यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म. तो S2 हो गया A1 प्लस A2. तो A1 प्लस A2 आ गया 4. अब अगर इन दोनों को माइनस करें, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो A1 में से A1 माइनस हो जाएगा तो A2 बचेगा. 4 माइनस 3 इस पर. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी. हम कह रहे हैं 2 माइनस 1. अगर आप समझेंगे तो A1 A1 कैंसिल, A2 आएगा 1. तो अगर आपके पास a1 आ गया, आपके पास a2 आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हैं? आप d निकाल सकते हैं. तो d हो जाएगा a2 minus a1, that is 1 minus 3, that is minus 2. अगर आपके पास d आ गया और आपके पास a आ गया तो आप पूरा ap निकाल सकते हैं. तो ap हमारे पास आ गया. अब हमसे क्या कह रहा था? जो भी हमसे कहे, अगर हमसे जो इसमें क्वेश्चन था वो था कि सम ऑफ n टर्म्स बताओ, तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n by 2, 2a, a 3 है, n minus 1, d यहाँ पे minus 2 है. तो आप 2 common लेके cancel कर दीजिए, तो यहाँ आएगा n, यहाँ आएगा 3, minus n plus 1. तो आपके पास कितना आ गया? 3 plus 1, 4. तो 4 minus n. तो ये हो जाएगा 4n minus n square. ये आपका sum of n term. तो एक तरीका तो ये है कि आप सेपरेट सेपरेट इसमें से a1 निकालें, d निकालें. एक तरीका दूसरा है, जो हमने 1 माइनस 2 किया है उसका क्या मतलब है? हमारे पास क्या है? हमारे पास है हमारे पास क्या है? हमारे पास है sn. sn हमारे पास है 4n minus n square. तो हम डायरेक्ट कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं जो आप चाहे. एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला लिख लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा. ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस. अगर आपको सम दिया हो और आपको कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना हो तो उसमें से ये करिए. मान लीजिए मुझे ए थ्री निकालना है, खुद देख लीजिए. ए थ्री क्या होगा? एस थ्री में से एस टू माइनस करो. एस थ्री क्या होता है? एस थ्री होता है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री. और S2 क्या होता है? A1 plus A2. Sum of three term और sum of two term. अगर आप इनको माइनस करेंगे तो A1 से A1 कटेगा, A2 से A2 कटेगा, तो बचा क्या? A2. तो यही फॉर्मूला होता है कि भाई ऊपर एक टर्म ज्यादा ले लीजिए, उसके नीचे एक टर्म कम ले लीजिए, माइनस कर दीजिए तो n टर्म बचेगा. तो अगर इस फॉर्मूले से आपको टेंथ टर्म निकालना है तो टेंथ टर्म डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं एस टेन माइनस एस नाइन. तो S10 क्या होगा? आप 10 रख दीजिए, 4 into 10 minus 10 का स्क्वायर. आप 9 रख दीजिए, 4 into 9 minus 9 का स्क्वायर. आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट 10th टर्म आ जाएगा. ये बात समझ में आ रही है सबको या नहीं? यस सर, आ रही है. तो दोनों हमारे पास फॉर्मूले हैं, हम A और D से भी निकाल सकते हैं और हम Sn minus Sn minus 1 is equals to n टर्म से भी निकाल सकते हैं. फॉर्मूले को याद रखिए. ये हमारे पास टोटल क्वेश्चंस हैं एपी में, और एक दो क्वेश्चन फिर हमारे पास ऐसे बनते हैं जिससे हमने पिछली बार किया था, जो हमने सम निकाला था. ये हमने निकाला था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स.
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 ये मेथड आपको खुद से एक ही सोचना पड़ेगा अगर आपसे कह रहा है स्टार्ट यस फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 तो डिविजिबल बाय 6 होते हैं 6 12 18 ठीक है फर्स्ट 40 का मतलब 40 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 240 अगर आप समझ रहे हैं तो अब इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपको मालूम हो गया आपको लास्ट टर्म मालूम हो गया और आपके पास n by 2 a plus l और नंबर भी हमारे पास आ गए 40 नंबर्स तो सम हो जाएगा 40 by 2 फर्स्ट टर्म 6 plus 2 40 ये आंसर है तो 20 into 240 देखो दो तीन क्वेश्चन देखो जो एग्जाम्स में आए हुए हैं थोड़ा सा मोस्ट प्रॉब्ली आपका थर्सडे या फ्राइडे थर्सडे तो कल ही है फ्राइडे इंशाल्लाह फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका 100 क्वेश्चंस का उसकी आप तैयारी शुरू कर दीजिए हर हफ्ते दो टेस्ट आपके इंशाल्लाह हुआ करेंगे ये क्वेश्चन है जरा इसे ट्राई करो हाँ सर आपसे कह रहा है द पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू एंड क्यू टर्म इज पी देन इट्स एन एच टर्म इज ये मेरे पास क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ही क्वेश्चन आया था इस बार 2019 में तो ये वही क्वेश्चन है पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू एंड क्यू टर्म ऑफ ए पी इज पी देन इट्स एन एच टर्म इज दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं दोनों भी समझ लीजिए यहाँ पे जो गिवन है उससे डरना नहीं है क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है पी टर्म क्या होता है a प्लस पी माइनस वन इंटू टू और गिवन कितना है q और q टर्म दिया हुआ तो q टर्म कितना है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू टू उसकी वैल्यू दी है p अगर आपके पास दो इक्वेशंस आ गए तो आप इन दोनों को क्या करिए माइनस कर दीजिए अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास पी माइनस क्यू इन टू डी ध्यान से देख लीजिए आपके पास क्या आएगा पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इन टू डी डी कॉमन यहाँ और इधर जो आएगा वो आएगा क्यू माइनस टू तो आपके पास क्या आएगा आपके पास आएगा वन से वन कैंसिल तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया पी माइनस क्यू इन टू डी और राइट साइड में माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा पी माइनस क्यू तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल तो फाइनली जो डी की वैल्यू आएगी वो माइनस वन तो इस तरह से अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना अगर डी की वैल्यू माइनस वन आ गई तो डी की वैल्यू को वन या टू में रख लीजिए तो अगर वन या टू में आप प्लेस करेंगे तो आपके पास आएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इनटू क्यू तो ए की वैल्यू क्या आएगी ए माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू तो ए की वैल्यू आएगी पी प्लस क्यू माइनस वन तो आपके पास ए भी आ गया और आपके पास डी भी आ गया तो अब आपसे जो कह रहा था कि कौन सी टर्म निकलवाना था देन इट्स एनएथ टर्म तो एनएथ टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस n माइनस वन इंटू डी तो आप a की वैल्यू रख दीजिए और d की वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास आंसर क्या आया
b plus q minus 1 minus n plus 1 से 1 कैंसिल. ये हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म का. इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा दो तरह के क्वेश्चन होते हैं. इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, ये तो nth टर्म निकालना है, आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है p plus q टर्म बताओ. अगर p टर्म q है और q टर्म p है तो आपसे कह रहा है p plus q टर्म बताइए. तो अभी सॉल्व उसी तरह से करेंगे जैसे हम कर रहे थे. तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, p plus q minus 1, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, minus 1. तो अगर हमें p plus q टर्म निकालना है तो p plus q टर्म क्या हो जाएगा, a plus n की जगह p plus q रख देंगे, p plus q minus 1 into d. ये हमारे पास आ गया. तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, p plus q minus 1, और n की जगह भी क्या आया हुआ है, p plus q minus 1, लेकिन d की वैल्यू minus 1 आ गई. अब आप कुछ चेक करेंगे, ये वाली वैल्यू प्लस में है और ये वाली वैल्यू माइनस में है. पूरा का पूरा जीरो. तो आप चाहें तो ये रिजल्ट याद रख सकते हैं. क्या रिजल्ट याद रख सकते हैं, कि अगर p टर्म जो है q है और q टर्म जो है p है, तो nth टर्म जो होगा p plus q minus 1 minus n होगा, और p plus q टर्म जो होगा वो जीरो होगा. इसी को न्यूमेरिकल में पूछ लेगा आपसे. न्यूमेरिकल में कैसे पूछेगा, सर 10th टर्म इज 20 एंड 20 टर्म इज 10, देन 30 टर्म क्या होगा, ये बता सकता है. 10 टर्म इज 20 एंड 20 टर्म इज 10, देन 30 टर्म इज व्हाट, जीरो. यस, p प्लस q. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा p है वो 10 है और q जो है 20 है, तो p प्लस q यानी कि 10 प्लस 20, तो 30 term is 0. ये question हमारे से पूछा गया था. चलो एक question मुझे करके दिखाओ, हमसे क्या कह रहा है, चलो ये question भी पूछा जाता है कि mth term is 1 upon m and nth term is 1 upon m. So m plus n term क्या होगा? बताओ जरा, कौन बताए? m plus n होगा या m into n होगा? चलो पहले m plus n निकालो, देखते हैं क्या. m minus n. देखो ये क्वेश्चन, ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन. ये the p term of ap is 1 by q and q term is 1 by p, then the sum of pq term, अभी हमने जो निकाला था वो term निकाला था, यहाँ sum निकालना, sum of pq term is, कोशिश करिए जरा. अरे ऐसे प्रश्न में तो बहुत टाइम लगेगा सर, इनकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती. इनका रिजल्ट आप याद रख सकते हैं.